हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली रिलेटेड कुछ क्राफ्ट्स। अपने घर को सजाने के लिए हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें परचेज करके लाते हैं, लेकिन घर पे बनाई हुई चीज़ों से अगर हम डेकोरेशन करते हैं तो वो डेकोरेशन बहुत ही अलग होती है, क्योंकि वो चीज़ें यूनिक होती हैं और आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलती हैं। तो चलिए कुछ क्राफ्ट बना लेते हैं इस दिवाली के लिए। पहले क्राफ्ट बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स का। तो कार्डबोर्ड को ये स्ट्रिप्स हमने कट कर लेनी है और उनको मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। उसके बाद में मैंने कुछ दो पीसेस लिए हैं, उनको मैंने इस शेप में कट किया है और मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। उसके बाद में वॉल पुट्टी का एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर हमें इन्हें कवर करना है वॉल पुट्टी के पेस्ट से। ध्यान रखिएगा, इसे हमें प्लेन नहीं करना है, इस पर हमें हल्का हल्का सा टेक्सचर होना चाहिए। तो आप टेक्सचर बनाने के लिए अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एल्युमिनियम फॉइल की एक छोटी सी बॉल बनाकर उससे भी आप बहुत अच्छा टेक्सचर इन पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद ड्राई हो चुके हैं ये। अब ड्राई होने के बाद में इनको फटाफट से हम पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं रेड एक्रेलिक कलर का। कलर कंट्रास्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें रेड कलर ही करना है। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे रेक्टेंगुलर पीसेस थे उनको हमने येलो एक्रेलिक कलर से पेंट किया है और इनके किनारों को हमने थोड़ा थोड़ा सा रेड लाइट से हाईलाइट किया है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, लेना है स्पंज और स्पंज में लेना है हमें थोड़ा सा गोल्डन एक्रेलिक कलर। आप स्पंज की जगह यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्रश लेना है वो ड्राई ब्रश लेना है और हल्का हल्का सा इस तरह से हमें जो इनके कॉर्नर हैं उनको हाईलाइट कर देना है। तो पेंट का काम करने के बाद में अब हम थोड़ा सा इसमें और डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो डिटेलिंग करने के लिए मैंने बनाई है ये एक 3D कॉन। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया है मैंने एक चम्मच बेबी पाउडर का और एक चम्मच फेविकोल का। दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में हमें किसी भी बाउल में मिक्स कर लेना है और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहेगा, इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो उसका पेस्ट बना लिया है। उसके बाद में हम जैसे मेहंदी की कीप बनाते हैं उस तरह से मैंने एक पॉलिथीन की कीप बनाई है और उसमें इसको फिल कर दिया है। बाद में इसको हमने टेप से कवर करके हमारी बहुत ही अच्छी सी 3D कॉन घर में ही रेडी हो जाती है। तो इससे मैंने लिखा है शुभ और एक पर मैंने लिखा है लाभ। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह का क्राफ्ट बना रहे हैं। घर में हम इस तरह से जब 3D कॉर्न बनाते हैं उसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो मार्केट में रेडीमेड आउटलाइनर मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शुभ लाभ लगने के लिए आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन्हें और डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की गोल्डन मिरर का। तो हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाना है और इसको पूरे को हमें गोल्डन मिरर से कवर कर लेना है। इसके बाद में हमने क्या किया है, थोड़े से हमें फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो आपको ये वाला प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई इस तरह के फ्लावर्स नहीं थे तो मैंने मोल्डेड क्ले की हेल्प से कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं और कुछ मेरा थोड़ा सा जो है क्ले बच गया था उसके मैंने थोड़े छोटे से इस तरह के बीड्स बना दिए हैं। ड्राई होने के बाद में हमने अपने फ्लावर्स को पेंट कर लिया है गोल्डन एक्रेलिक कलर के साथ में और जो बीड्स हैं उनको भी मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन बीड्स को, छोटे छोटे बीड्स होते हैं उनको पेंट करने में। उसके बाद में मैंने ली है नियोन कलर की, जो ग्रीन कलर होता है उसकी 3D कोन और इस तरह से हमने जो साइड में है वो कुछ और अब हम सारी चीज़ों को हमने असेंबल कर लिया है एक साथ में। तो रेड स्ट्रिप्स को मैंने कुछ इस तरह से रखा है और उसके ऊपर जो हमने शुभ का जो हमने रेक्टेंगुलर पीस बनाया था वो रख दिया है। फ्लावर को हमने स्टिक कर दिया है और जो हमने छोटे छोटे बीड्स बनाए थे उनको भी हमने यहाँ पर लगा दिया है।
तो लीजिए, आपके घर के लिए बहुत ही प्यारे से शुभ लाभ रेडी हो चुके हैं। इसके बाद में हमने इसके नीचे दो गोल्डन बीड्स और एक गोल्डन जो है बेल हैंग की है। अब चलते हैं अपने अगले क्राफ्ट की तरफ। तो अगले क्राफ्ट बनाने के लिए भी मैंने कुछ इस तरह की शेप कार्डबोर्ड पर ड्रॉ की है और उसको कट कर लिया है। उसके बाद में उसके जो एजेस थे उसको हमने मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। मास्किंग टेप से कवर करने के बाद में हमने इसको वॉल पुट्टी के पेज से कवर किया है। तो हमने जो पहला क्राफ्ट बनाया था उसमें हमने टेक्सचर ऐड किया था, लेकिन इस पर हमने कोई भी टेक्सचर नहीं बनाया है, इसको हमने प्लेन ही रखा है। अब हमने इसको पेंट कर लिया है। तो पेंट करने के लिए आपकी जो चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पेंट कीजिए। भाई फेस्टिवल सीज़न है तो इसमें हमें ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ब्राइट कलर्स का ही इनमें इस्तेमाल किया है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम इस तरह के मिरर्स का। तो मिरर्स की एक लाइन मैंने ऊपर लगा दी है और इसमें भी हमने थोड़े से मॉडरेट क्ले का यूज़ किया है। तो एक फ्लावर बनाया है और ऊपर की जो हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप्स बनाई है वो भी हमने मॉडरेट क्ले की हेल्प से बनाई है, उसमें थोड़ा सा टेक्स्चर ऐड कर दिया है। इसे भी हम अगेन लिखने वाले हैं शुभ और लाभ। तो शुभ लाभ लिखने के लिए इस बार मैंने यूज़ किया है नियॉन पिंक कलर की जो है 3D कॉन का। उसके बाद में हमने जो है कुछ पर्ल कलर का यूज़ करके यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं। तो लीजिए, इसके साथ ही हमारा सेकंड क्राफ्ट भी रेडी है। तो इस दिवाली आप इन्हें अपने घर में डेकोरेट कीजिए और